We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't. Hi, this is Engineer Nedakundisar Biswa, Vertigan Mechanical Engineering. You are watching Koraput ITI online classes for engineering drawing. So without wasting any more time, let's start it. Hi, welcome back to Koraput ITI online classes for engineering drawing. So last class we have learned different types of lines, angles, triangles. This is all. But I have seen the video. Last 1 minute class, last 1 minute, 1.5 minute class, the video. क्लास टा म्यूट माने ऑडियो टा म्यूट ही जाई छी सो मोर गोटे स्टूडेंट राजेश जी के मते एजेंस इन्फॉर्म कले सो थैंक यू वेरी मच तो सेति में मु भाबु छी से क्लास टा मु अगेन आउथरे से टू स्टार्ट करबी जोठू ऑडियो टा म्यूट ही जाई छी सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जाने ऊपर गुरु आमे जानिबा दरकार व्हाट इज ट्रायंगल जिमती की मु काली कहि थिले ट्रायंगल इज जस्ट ए क्लोज्ड फिगर ऑफ हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स एंड द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री कहि थिले प्रीवियस क्लास जिमती कहि थिले सब एंगल तीनटा जगह एंगल मिसले 180 डिग्री हबो और ट्रायंगल रो तीनटा साइड थाए तीनटा एंगल थाए सो इटा त मु लास्ट क्लास भी कहि थिले अब हम सब भी जानि छे तबे देखियो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ता भितर फास्ट आसला इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कोनो जारो तीनटा जाको साइड आ तीनटा जाको एंगल इक्वल तीनटा जाको एंगल जदी इक्वल ऑटोमेटिकली तीनटा साइड इक्वल हबो आ तीनटा जाको साइड जदी इक्वल ऑटोमेटिकली तीनटा एंगल भी इक्वल हे जइबो जेंति कि एठे हमें ड्राइंग रे देखि परबा तीनटा जाको एंगल 60 60 60 अछि तो आ साइड अछि 45 एंड डेफिनेटली ए दिटा साइड मथियो 45 हे रहइबो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स इक्वल ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल दैट इज 60 डिग्री तीनटा जाक एंगल जदि इक्वल हो देन ऑब्वियसली इट 60 डिग्री हो काहे ना सम ऑफ द थ्री एंगल्स 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री तो तीनटा जाक 60 डिग्री ही रहइबो नेक्स्ट हम देखिबा आइसोस्केल ट्रायंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल रे कोन अछि इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल माने जो ट्रायंगल रे दीटा साइड आउ दीटा एंगल इक्वल थिबो आमे ताको आइसोस्केल ट्रायंगल कहिबा देन देखियो स्केलेन ट्रायंगल भी तो आमे प्रीवियस क्लास डिस्कस करथिले जार कोनोसी साइड कोनोसी एंगल इक्वल न थाए ताको आमे स्केलेन ट्रायंगल कहिथौ स्केलेन ट्रायंगल हैज ऑल द थ्री साइड्स अनइक्वल इन लेंथ एज वेल एज एंगल्स ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल सो ताको आमे बस से टाइप रो ट्रायंगल को आमे स्केलेन ट्रायंगल कहिथाउ नेक्स्ट देखिबा राइट एंगल ट्रायंगल कोनो जो ट्रायंगल रे एटलीस्ट गुटे एंगल 90 डिग्री थिबो ताको आमे राइट एंगल ट्रायंगल कहिबा इठी जेंते हम फिगर देखि परछे एंगल ए जो अछि सी ए बी एंगल सी ए बी सी अच्छी 90 डिग्री सो इटा हला हमर गोटे राइट एंगल ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल इज वन इन व्हिच वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस ए जो 90 डिग्री रो ऑपोजिट साइड या को हाइपोटेन्यूस को आबो एटा बेस एटा हला हाइट बा परपेंडिकुलर एटा एटा हाइपोटेन्यूस सो नेक्स्ट देखिबा एक्यूट एंगल ट्रायंगल आमे एक्यूट एंगल कौन जानी छे एंगल विषय जो आम पढ़ुले से जानी छे एक्यूट एंगल क्या कह जो एंगल रो वैल्यू लेस देन 90 डिग्री थी लेस देन 90 डिग्री ताको आम एक्यूट एंगल कह तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन जो ट्रायंगल रो ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री माने ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल ताको आमे एक्यूट एंगल कहिबा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज वन इन व्हिच ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री ओके सो नेक्स्ट देखिबा एबे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल
पूरा अपोजिट अपोजिट माने कौन ऑप्टिव्स एंगल भाया ही आम जिते एंगल विषय पढ़ू ऑप्टिव्स एंगल कौन जानी ऑप्टिव्स एंगल है जहाँकि 90 डिग्री रु अधिक थी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री तो जो ट्राइंगल रे गोटे एंगल एटलिस्ट गोटे एंगल मोर देन 90 डिग्री थी आउ लेस देन 180 डिग्री थी ताको आमे ऑप्टिव्स एंगल ट्राइंगल कहवा ऑप्टिव्स एंगल ट्राइंगल हाज वन ऑफ द एंगल मोर देन 90 डिग्री आज सोन इन द फिगर 6 ओके नेक्स्ट सो ट्राइंगल तो सरला जमी मुझे आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर रेक्टेंगल रम्बस पैरेललोग्राम एंड सर्कल ये सब विषय सो स्टार्ट करदे ज्योमेट्रिकल फिगर्स विषय फास्ट देखा स्क्वायर सॉरी फास्ट आम जाना क्वाड्रिलेटरल मान कौन जार चार्ट साइड थी आम क्वाड्रिलेटरल कह क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन फिगर फास्ट अफ अल इट इज अल्सो ए क्लोज्ड फिगर सीटा भी गोटे क्लोज्ड फिगर अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड एंड फोर एंगल्स तार चारिटा साइड थिबो आउ चारिटा एंगल्स थिबो सम ऑफ द फोर एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आमर जमते ट्राइंगल रे सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री थिला एठी सिमिलरली ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 3 सम ऑफ द ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 360 डिग्री द साइड जॉइनिंग अपोजिट कॉर्नर इज कॉल्ड डायगोनल इठी जो साइडटा ये देखिए रम्बस अच्छी ए रम्बस रे अपोजिट कॉर्नर को जो साइड जॉइन करछी ताको हम कहबा डायगोनल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल आउट ऑफ फोर साइड्स फोर एंगल एंड टू डायगोनल ए मिनिमम ऑफ 5 डायमेंशन आर रिक्वायर्ड टू ऑफ व्हिच टू मस्ट बी साइडेड माने कोनो गोटे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिवा पई हमको मिनिमम 5टा डायमेंशन दरकार जा भितर दुटा साइड हेथिबा दरकार माने एंगल तीनटा एंगल है कि दुटा साइड ए भले हेथले हमें ड्रॉ करि परिवा सो क्वाड्रिलेटरल टाइप्स अछि तो क्वाड्रिलेटरल कोनो जार चारटा साइड अछि तको हम क्वाड्रिलेटरल कहबा तो कोन क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर अछि रेक्टेंगल अछि रम्बस अछि देन पैरेललोग्राम अछि रम्बस जोडा सो फास्ट आम स्क्वायर देखा स्कूल तो पढ़ीचे ही आम सान बड़ आम पढ़ी पढ़ी आसचे सिंस फिफ्थ क्लास आम पढ़ुचे जे स्क्वायर कौन स्क्वायर स्क्वायर इज अल्सो ए क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स सम ऑफ द फोर एंगल्स इज 360 डिग्री आउ मेन थिंग है स्क्वायर अन्य क्वाड्रिलेटरल टू डिफरेंट कहीं स्क्वायर रो चारिटा जाक एंगल 90 डिग्री थाए दैट इज इक्वल्स टू ईच अदर एंड चारिटा जाक साइड अल्सो इक्वल थाए मुझे रेक्टेंगल रे आपन को देखे दूची रेक्टेंगल ड्रॉइंग रे सॉरी मुझे आउ थे ड्र भी करदे ये जदि आम गोटे स्क्वायर ताले यार चारिटा जाक एंगल इक्वल थाए 90 डिग्री आउ चारिटा जाक साइड मध्ये इक्वल थाए ताको आम स्क्वायर कहवा ओके नेक्स्ट आसला रेक्टेंगल slightly different टिके different अच्छी square टू से विषय भी आम समस्त जाणीचे ही अलरेडी रेक्टेंगल कौन जो opposite sides are equal and all the four angles are equal that is 90 degree opposite sides are equal to each other how opposite sides गुड़ाक मध्य parallel to each other obviously 90 degree सब जगह side अच्छे मैंने parallel to each other रही ही सो रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स देन आसला रम्बस इन रम्बस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल बट ओनली द ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल माने रम्बसटा स्लाइटली आमर स्क्वायर सहित सिमिलर आम कहीपर इक्वल तो ना सिमिलर कहीपर जो कि चारिटा जाक साइड इक्वल बट चारिटा जाक एंगल इक्वल ना ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल ताको आम रम्बस कहवा सो यहाँ मुझे ओवरअल्ली बती दे पैरेललोग्राम रम्बॉइड जोड़ा आम कहवा इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ये जो अपोजिट साइड अच्छी ए अपोजिट साइड गुड़ाक इक्वल एंड पैरेलल था अपोजिट एंगल्स आर अल्सो इक्वल ये जो अपोजिट एंगल्स गुड़ाक अच्छी ये गुड़ाक
इक्वल इक्वल अच्छे अपोजिट सब एंगल ना अपोजिट एंगल ही इक्वल अच्छे मैंने ए एंगल या सहित इक्वल अच्छी ए एंगलटा या सहित इक्वल अच्छी सो ए विषय तो आम जान ले। नेक्स्ट देखिवा सर्कल सर्कल कौन सर्कल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय ए कर्व मैंने कर्व द्वारा ये मध्य गोटे क्लोज्ड प्लेन फिगर कर्व द्वारा ड्र होता है कौन से लाइन्स ये यूज ही न था फॉर्म बाय द फोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट इट ऑल इट इज ऑलवेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट सेंटर सर्कल को आम फास्ट गोटे सेंटर नहीं कि ही ड्र कर विदाउट सेंटर तो आम सर्कल ड्र करना इम्पॉसिबल सो ये जो सेंटरटा सर्कल जेकोसी पार्ट्रे भी आम टच करवा मानने मानने बाउंड्री रे टच करवा मानने ये जो डिस्टेंसटा इक्वल आसो जोटा को कि आम रेडियस कहू सो प्रति जिनस पढ़ा रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस देन आसला डायमीटर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट ऑन द कर्व स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट ऑन द कर्व पासिंग थ्रू द सेंटर ये जो लेंथटा दीटा पॉइंट को जॉइन करथिबो सेंटर टू भी पास हो गया माने सेंटर को टच करके आसथिबो इज कॉल्ड द डायमीटर और आम द माने सर्कल भितर जदि सबुठ लॉन्गेस्ट लाइन टाणीबा ताले सी हो आमरो डायमीटर एटा गोटे जानिबा जिनसो आम जदि सर्कल भितर सबुठ लॉन्गेस्ट लाइन गोटे टाणीबा चेष्टा करबा ताले सी हो आमरो डायमीटर आउ डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस माने जदि रेडियस 5 होला डायमीटर ऑलवेज इनटू 2 हबो दैट इज 10 ए विषय मध्ये आमे सब पढिचे देन आसला सर्कमफेरेंस इट इज द लिनियर लेंथ ऑफ द एंटायर कर्व इक्वल्स टू पाई डी माने ए जो कर्व अछि ए कर्व रो पूरा लेंथ को जदि आमे मेजर करिवा ताको आमे सर्कमफेरेंस कहबा हमर जेंति स्क्वायर रेक्टेंगल ए सब रे आमे पेरिमीटर बाहर करचू से भला इटे आम सर्कमफेरेंस बाहर करू आर फॉर्मूला अच्छे 2πr और पाई डी 2r जोटा आमर डी सहित समान और पाई डी 2πr और पाई डी देन आसला आर्क ए पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस और पेरिफेरी इज कॉल्ड द आर्क आर्क माने कौन सर्कल रो गोटे पार्ट एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस उपरे जे कोनो से दीटा पॉइंट को आमे दे ये कर कि जे कोनो से दीटा पॉइंट को ने कि ये हला हमरा आर्क ओके। नेक्स्ट आसला कॉर्ड स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड कॉर्ड माने स्ट्रेट लाइन जे कि गोटे आर्क रो दीटा एंड पॉइंट को जॉइन करथु ताको आमे कॉर्ड कहबा सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द सर्कल और एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल देन आसला हमरो सेक्टर सॉरी हाँ सेक्टर इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियस मीटिंग एंड देखो एटा हला हमरो सेक्टर ए जो पार्ट अछि याको हमें सेक्टर कहबा देन आसला क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ ए सर्कल विद रेडी मेकिंग 90 डिग्री ईच अदर ये जो सर्कल अच्छे ये 90 डिग्री जदि मु ड्र करदेवि 90 डिग्री रे ताले ये गोटे क्वाड्रेंट 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 देन आसला टैंजेंट टैंजेंट आम जमी ओडिया पढ़ुले टैंजेंट को आम स्पर्शक कहवा स्पर्शक माने टच करे जी गोटे सिंगल पॉइंट रे सर्कल को टच करके जाए ताको आम टैंजेंट कहू ये गोटे सिंगल पॉइंट रे टच कर टैंजेंट देन कंसेंट्रिक सर्कल माने कौन व्वेन टू और मोर सर्कल्स ड्रन फ्रम ए कमन सेन्टर माने गोटे सेन्टर रे ये गोटे सर्कल मुकली ये हला मोर सेंटर देन से सेंटर को ही यूज करके आ गोटे सर्कल देन आ गोटे सर्कल ये सब गली एग्जांपल हला कॉन्सेंट्रिक सर्कल रो तो ताको आमे कहबा कॉन्सेंट्रिक माने गोटे सेंटर को यूज करके आमे जते बेले
ड्र करुचे कनसेंट्रिक सर्कल कहवा देन इसेंट्रिक सर्कल। इसेंट्रिक सर्कल कौन सर्कल विदिन ए सर्कल बट विथ डिफरेंट सेंटर्स आर कॉल्ड इसेंट्रिक सर्कल। मैंने कौन ये सर्कल भितर सर्कल गुड़ाक थी बट डिफरेंट सेंटर थी प्रति सर्कल डिफरेंट डिफरेंट सेंटर थी आम इसेंट्रिक सर्कल कहवा। ओके सो नेक्स्ट देखा मेथड ऑफ बायसेक्टिंग प्रैक्टिस ऑफ एंगल एंड ट्रायंगल्स। सो एंगल को केमती बायसेक्ट करवा आ ट्रायंगल को केमती बायसेक्ट करवा तार मेथड्स विषय आम जानवा। सो बायसेक्ट ए गिवन स्ट्रेट लाइन तो क्वेश्चन आमको दिखाई गोटे गिवन स्ट्रेट लाइन अच्छी आम बायसेक्ट करवा यह सब आम अलमोस्ट एट नाइन टेन्थ इस पढ़ु रेगुलरली यूज करलमोस्ट 3 to 4 इयर्स आम सब प्राक्ट कर। सो आई डोंट थिंक इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू एनी स्टूडेंट स्टिल मु डिस्क्राइब कर दूची गोटे लाइन अच्छी जोटा को आम 50, 60, 70 जहाँ भी नहींचे लेंथ व्हाट एवर द लेंथ या को आम जदि बायसेक्ट कर बायसेक्ट मैंने टू इक्वल पार्ट रे डिवाइड करवा। ओके तो तार प्रोसीजर कौन आम अलरेडी जाचे आमर जो कंपास पॉइंट गोटे पॉइंट एट रखा आउ अधारु अधिक सिलेक्ट करिकी आर्क ड्र करवा देन ये आउ थे पॉइंट रखा आर्क ड्र करवा जॉइन करदे बायसेक्ट होगा आम अलरेडी जाचे ये विषय समस्ते आई थिंक जानी थे सब स्टूडेंट जानी थे विषय। सो स्टिल आम प्रोसीजर ड्र ए लाइन ए बी 70 cm लॉन्ग विथ ए एंड बी आज सेंटर्स मोर देन हाफ ऑफ ए बी आज रेडियस डिस्क्राइब आर्क ऑन आइदर साइड माने मोर देन हाफ अधारु अधिक लेट द आर्क इंटरसेक्ट सी एंड डी। तो ये मुझे ड्रॉइंग करी सेम से हिसाब से प्रोसीजर दिखाई। सो नेक्स्ट देखिवा ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू गिवन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इन इट गोटे स्ट्रेट लाइन दिखाई गोटे पॉइंट दिखाई से पॉइंट आमको गोटे परपेंडिकुलर ड्र कर सी इज द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी गोटे लाइन अच्छी ए एंड बी से सी है गोटे पॉइंट सी आज सेंटर ड्र आर्क ऑन द लाइन ए बी इटी आम गोटे आर्क ड्र करवा डायमेंशन किसी भी हो बट बेसी भी बड़ ना बेसी भी सान ना जमीक आमको कंफर्टेबल हो पार कंफर्टेबल हो पार ड्र करें से हिसाब से गोटे आर्क ड्र करवा आर्क ड्र करापर देन यू लाइन वन एंड टू आर्क ड्र कले देन वन एंड टू आज सेंटर ड्र आर्क द आर्क इंटरसेक्ट एट डी तो वन आउ टू आज सेंटर गोटे आर्क ड्र करवा जी कि इंटरसेक्ट डी रे कर देन सी डी को जॉइन करदे होगा परपेंडिकुलर ड्र। सो नेक्स्ट आसे ड्र ए परपेंडिकुलर टू गिवन स्ट्रेट लाइन व्हेन द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द लाइन कौन हो ड्र ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन स्ट्रेट लाइन व्हेन द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द लाइन माने ये है हमारे ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन अच्छी ए आम मिडिल रे करथिले एठी लास्ट रे करिवा सिमिलरली एठी ड्रॉइंग हेजी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आर्क निहाय जी देन 60 60 90 ड्र करदे फास्ट कंपास रखिकी सेम ये जो आर्क आम ने जी भी डायमेनसन नहीं से डायमेनसन को चेंज न करी से जो पॉइंट जो आम सेंटर हिसाब से रखी से पॉइंट को ये जो पॉइंट रखिकी फास्ट गोटे आर्क नवा देन ए पॉइंट रे आ गोटे आर्क नवा ना ये हम 60 ये है 120 ये दुटा को जो बायसेक्ट करवा ये गोटे आर्क ये गोटे आर्क बायसेक्ट कले सी जो पॉइंट आसो ताकू जदि ए पॉइंट सहित जॉइन करदे तो सी हम आम 90 डिग्री विदाउट एनी डाउट। सो नेक्स्ट आसला ड्र ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एट ए गिवन डिस्टेंस माने कौन गोटे पैरेलल लाइन आमको ड्र करार अच्छी आउ डिस्टेंस केते सी आमको अलरेडी प्रोवाइड कर। सो जहाँ भी 20, 30, 40 mm जहाँ भी गिवन डिस्टेंस हिसाब से कराब ड्र ए लाइन ए बी टू ए कन्वीनियंट लेंथ दैट इज 60 निया ड्र ए लाइन सी डी 40 mm
गिवन डिस्टेंस तो सी डी 40 mm गिवन डिस्टेंस निया है छि मार्क पॉइंट 1 एंड 2 नियर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 1 एंड 2 एठ ड्राइंग रे बे देखि परबो जदे मो ड्राइंग डेट के ठीक न लागो छि एठ ड्राइंग रे भी जने जति चाहिबो इजीली देखि परबो मो ड्राइंग को टिके जूम कर दो छि जहा द्वारा कि देखिवारे इजी हबो सो विथ वन एंड टू आज सेंटर सी डी आज रेडियस ड्रॉ आर्क वन एंड टू आज सेंटर सी डी आज रेडियस ड्रॉ आर्क आर्क ड्रॉ कराई ची ई एंड एफ दीटा आर्क ड्रॉ ही ची ले ई एंड एफ वन टू ए बी रेस्पेक्टिवली विथ वन एंड टू आज सेंटर सी डी आज रेडियस ड्रॉ आर्क एट वन एंड टू इरेक्ट परपेंडिकुलर बाय यूजिंग सेट स्क्वायर एट वन आउ टू रे गोटे परपेंडिकुलर आम सेट स्क्वायर यूज करें कंपास यूज करोसी वे आम परपेंडिकुलर ड्र कर परपेंडिकुलर ड्र कलापर आम या जॉइन करदे ई एंड एफ रे तापर ए जो दीटा पॉइंट रे से जॉइन हे सीठी लाइन ड्र करदे आउ सेकेंड जिनस कि न भाविकी आम पूरा सियोर हो ए दीटा जाक लाइन पारलाल टू इच अदर जदि आम प्रोसीजर हिसाब से आम ड्र करे आउ कि भाविया दरकार ना बोथ द लाइन्स आर पारलाल टू इच अदर ओके देन आसला डिवाइड ए लाइन इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स गोटे लाइन को बाइसेक्ट करो जिते एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यस एटा गोटे लाइन अच्छी एटु अधारू अधिक मुझे जमीक फास्ट टाइम करूँ अधारू अधिक नेली आर्क नेली एबे ए दुटा पार्ट इक्वल बाइसेक्ट हो गला देन ए जो पार्ट अच्छी या को अधारू अधिक नेली आर्क नेली सिमिलरली एठी भी ड्रॉ कली देन ए जो पॉइंट अच्छी सरी लाइन अच्छी या भी बाइसेक्ट कली या भी बाइसेक्ट कली ए हिसाब से आम एनी नंबर ऑफ पार्ट रे डिवाइड करनी नंबर ऑफ पार्ट विदाउट एनी कम्प्लेक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम ओके सो इटी आउ गोटे वे भी दिखाई जो वे रे भी आम करनी नंबर ऑफ पार्ट रे आम डिवाइड कर सो से वेटा देखा ड्रॉ ए लाइन ए बी टू कन्वीनियंट लेंथ दैट इज 65 एट निया ए बी ड्रॉ होइछि एटा आम नाइन्थ क्लास रे अच्छी मु पिला को पढ़ाए नाइन्थ क्लास रे ए जिनस अच्छी ए प्रोसीजर अच्छी लाइन को केमी इक्वल नंबर डिवाइड कर पार ओके एट ए ड्रॉ ए लाइन ए सी टू ए रिक्वायर्ड लेंथ ए सी एट ड्रॉ होइछि रिक्वायर्ड लेंथ रो जितकी आमको लेंथ दरकार फॉर्मिंग एन एंगल बी ए सी बी ए सी मुझे हाँ बी ए सी एंगल हो गला सीटा सब एक्यूट एंगल रहा दरकार अलमोस्ट आम 60 नहीं गला बेटर थाए 60 मुझे जहाँ भाव 60 मत बेटर लगे सेट अ फाइव इक्वल आर्क ऑन द लाइन ए सी मेटिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांचटा इक्वल आर्क निगला 1, 2, 3, 4, 5 ओके जो फास्ट लाइन आम ए भी नहीं थिले सॉरी हाँ सेट ऑफ फाइव इक्वल आर्क जी भी आमको इक्वल पार्ट करिवार अच्छे एसी रे आम ए जो एसी अच्छी एसी रे आम से पार्ट नहीं जीवा देन तापर जॉइन फाइव टू बी फाइव को बी सहित जॉइन करवा तापरे फोर को फोर सहित थ्री को थ्री टू को टू वन को वन ए भाया जॉइन करदे ए जो लाइन अच्छी आमर ए बी अच्छी ये इक्वल पार्ट रे डिवाइड हो इक्वल फाइव पार्ट सिक्स पार्ट एट पार्ट जहाँ भी आमको आज पर रिक्वायरमेंट ये अच्छे ट्राइसेक्ट गिवन राइट एंगल गोटे राइट एंगल अच्छे आम ट्राइसेक्ट करवा ओके ट्राइसेक्ट केमती करवा बाइसेक्ट कले सिना हम ट्राइसेक्ट केमती करवा ड्रॉ ए लाइन सॉरी ड्रॉ ए राइट एंगल ए बी सी गोटे राइट एंगल आम ड्र करवा ए बी सी तापर विथ बी आज सेंटर
to convenient radius, draw an arc meeting the line BC and BA, 1 and 2 as respectively. Arc would draw hala with 1 and 2 as center. 1 and 2 as center. B1 as radius, draw arc to cut the previous arc of D and E. याको हमें आर्क ड्रॉ करिबा ड्रॉ कर देले तापरे याको हमें जॉइंट कर दबा 1 आउट 2 को सेंटर ने की B1 आज रेडियस याको हमें रेडियस ने की एठी आर्क पकेवा आर्क पकेले D आउ E दिरा आसिला ताको ड्रॉ सॉरी आर्क जो हमें एठी देखंतु पडिची से हिसाब से आम जो जॉइन करदे सी आम ट्राइसेक्ट होगा माने तीन टा इक्वल पार्ट रे डिवाइड होगा 90 डिग्री टा देन बाइसेक्ट गिवन एंगल तो जेकोसी गिवन एंगल को बाइसेक्ट करवा भी इजी लेट गोटे 30 डिग्री दिया है गिवन आम 60 डिग्री भी नहीं पारा ए आज सेन्टर टू ए कन्वीनियंट रेडियस ड्र होगा आर्क देन बाइसेक्ट बाइसेक्ट द आर्क एट ओ ओ रे आम ताको बाइसेक्ट करिवा ए एज सेंटर टू ए कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन ए सी एट ई एंड ए बी एट डी ए सी एट ई ए बी एंड डी ई एंड डी एठे देखि परिवे तापरे एठे हमें बाइसेक्ट आर्क डी ई ए जो डी ई आर्क अछि ताको हमें बाइसेक्ट करिवे डी ई आर्क को बाइसेक्ट करिवे बाइसेक्ट कला पर मिलि गला हमको जॉइन कर देले हमको एंगल डा बाइसेक्ट है कि मिल गला सो नेक्स्ट देखिबा कंस्ट्रक्ट माने एंगल इक्वल टू 75 डिग्री यस गोटे एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करिबा इक्वल टू 75 डिग्री एज पर द प्रोसीजर फर्स्ट हमको गोटे लाइन ड्रॉ करिवार अछि जेमति कि एठे ड्रॉ हिची तापर गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिवा हमें आगु प्रोसीजर जानि छे परपेंडिकुलर केमति ड्रॉ होबो तापरे कौन करवा एट बी एट परपेंडिकुलर ठीक है ट्राइसेक्ट द एंगल एंगल को ट्राइसेक्ट करवा ट्राइसेक्ट कला परे ए जो 90 आ जो लास्ट एंगल अछि या को बाइसेक्ट करले एटा मिल गला अदरवाइज हमें आ गुटे प्रोसीजर मथि करि परबा 90 डिग्री जते बले नेले 90 डिग्री परे हमें एटी 60 डिग्री नबा एठ पॉइंट रखिक आम जो आर्क नवा ये ऑटोमेटिकली आमको 60 डिग्री मिले 60 डिग्री मिले 60 और 90 को बाइसेक्ट कले भी आमको डायरेक्ट 75 मिल जाए आमको ट्राइसेक्ट एठी करिवा दरकार नहीं अब एज पर द प्रोसीजर आम ट्राइसेक्ट भी करिपरिबा सो ए सब एत भी हार्ड ना इजी आदि भी क्या किसी प्रोब्लेम रही जाए बुझे सो मु नंबर तो दे मोर लास्ट वीडियो रो एंड रे सो मत पर्सनली कांटेक्ट कर परबे अदरवाइज सेठी कमेंट भी देले मु ताको डिस्क्राइब करके बुझे परबे सो एठे अगेन आ गोटे क्वेश्चन अछि हमरो 22 हाफ डिग्री हमको ड्रॉ करिवार अछि सिमिलरली 22 हाफ जदि हमको ड्रॉ करिवार अछि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 90 डिग्री नेवार अछि 90 डिग्री ड्रॉ करिवा 90 डिग्री ड्रॉ कला पर ताको बाइसेक्ट करके 45 डिग्री ड्रॉ करिवा 45 डिग्री को बाइसेक्ट करले माने हाफ करले 22 एंड हाफ मिल जिवा हमको 22.5 डिग्री आम ये ड्र कर सो ये केवल बाइसेक्ट करें एंगल को ड्र कर सो नेक्स्ट आम कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल्स पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे तो आज ये थैंक यू वेरी मच।